Hi guys, welcome back to another video. कैसे आप सभी लोग? I'm Aniket Ingle, back with another one. तो आज है 7 September, आज है अपने नीट का रिजल्ट. देखो तो ऐसा धक धक हो रहा है. तो अब अभी 12 बज चुके हैं और अभी तक रिजल्ट आया नहीं है और मैं बस अब NTA के साइट ओपन करके चेक कर रहा हूँ कब रिजल्ट आया और मैं अपना लाइव रिएक्शन दूँ. अच्छा, और देखते हैं कब आता है रिजल्ट सामने में. यहाँ पे NTA की साइट ओपन है और मैं यहाँ पे अपना फोन अपना ट्राइपॉड रख के अपना लाइव रिएक्शन ले लूंगा. सो जो भी कुछ रिजल्ट रहता है, आई एम एक्साइटेड टू सी माय ऑल इंडिया रैंक और परसेंटाइल स्कोर जो कि बहुत मैटर करता है. और अभी मैं अपना थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएंगे और मैं अपना लाइव रिएक्शन भी ले लूंगा. तो कुछ दिन पहले अपनी ऑफिशियल आंसर की और OMR रिस्पॉन्स आ चुका था तो उससे मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे. रुको जरा, सबर करो. सो अराउंड मैंने 115 क्वेश्चंस किए थे और 115 क्वेश्चंस में जैसे मेरे 24 क्वेश्चन गलत हो गए तो नेगेटिव मार्किंग थोड़ी जाएगी, -24 मार्क्स करना पड़ेगा. तो 24 क्वेश्चन अराउंड 8 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स के गलत हुए और 3 क्वेश्चन मेरे केमिस्ट्री के गलत हुए. तो आई एम हैप्पी कि भाई 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के गलत है. तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि भाई अपनी केमिस्ट्री अच्छी रही है. और बॉटनी के भी 3 क्वेश्चन गलत हुए बट सबसे ज़्यादा मेरे जूलॉजी के क्वेश्चन गलत हुए. सो अराउंड 10 क्वेश्चन मेरे जूलॉजी के गलत हुए तो थोड़ा बहुत ट्रिकी आए थे क्वेश्चन. तो इन सबको मिलाकर कुछ अराउंड 24 क्वेश्चन मेरे गलत हुए. 115 क्वेश्चन से. सो अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, उसमें क्या गलत किया, क्या कंसेप्ट. तो हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि ये कि हमें ड्रॉप लेना है या नहीं, या मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं. नहीं मेरे को ड्रॉप लेना है, नहीं मेरे को फिर से नीट की तैयारी करनी है. तो जो भी मेरे मार्क्स बनते हैं उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा और जो भी मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी मेरे को मेडिकल कोर्स मिलता है उस कोर्स को मैं ले लूँगा. एंड आई एम जस्ट गोना डू माय बेस्ट इन इट. जो भी कोर्स मुझे मिलता है आई एम जस्ट गोना डू माय बेस्ट. सो अराउंड 115 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन गलत हुए तो 91 क्वेश्चन बचते हैं करेक्ट हुए. 91 क्वेश्चन करेक्ट हुए तो अराउंड 1 क्वेश्चन 4 मार्क का है. तो 91 × 4 करेंगे तो अराउंड 364 मार्क्स आ रहे हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग करनी पड़ेगी -24 की. सो अराउंड 364 -24 किया जाए तो 340 मार्क्स अपने पास बच रहे हैं. सो 340 मार्क्स कुछ मेरे बन रहे हैं इस नीट 2022 के. ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था जैसे कि मैंने पहले भी बताया. और फर्स्ट अटैम्प्ट में भी मेरे अराउंड 298 मार्क्स बने थे, अराउंड 300 मार्क्स. तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर देखा जाए इस हिसाब से मेरे 40 मार्क का इम्प्रूवमेंट हुआ है. और पहला सबसे मेरा बड़ा गिल्ट है कि मैंने क्यों ही फिर ड्रॉप किया, सिर्फ 40 मार्क का इम्प्रूवमेंट ही तो हुआ है. और लास्ट ईयर ही मेरे को अपना मन पसंदीदा कॉलेज मिल रहा था होम्योपैथी का. आई कुड हैव डन BHMS लास्ट ईयर होम्योपैथी का कोर्स और आज मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया रहता, अभी मैं सेकेंड ईयर में जा रहा हूँ. बट कोई ना, अभी बस थोड़ा बहुत अभी 40 मार्क का इम्प्रूवमेंट है तो थोड़े बहुत नए कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ है तो बस उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैप करना है और हमें बस आगे बढ़ना है. और देखते हैं अभी जो भी कुछ रिजल्ट रहता है. अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं, अभी थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर देता हूँ कि मेरी ऑल इंडिया रैंक अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 से 3 लाख के बीच में आए, एक बड़ी रेंज पकड़ के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2 से 3 लाख मेरे के अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक आ जाए, आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड. और परसेंटाइल स्कोर भी अराउंड अच्छा 80% तक तो आना चाहिए, 80% स्कोर आना चाहिए. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अराउंड 18 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने नीट दी थी तो उसमें से अगर अपनी रैंक 2 से 3 लाख भी बन रही तो काफ़ी अच्छी बात है. और परसेंटाइल स्कोर जो भी आता है वो भी अपन देखेंगे अभी रिजल्ट में. सो आई एम एक्साइटेड टू सी माई ऑल इंडिया रैंक एंड परसेंटाइल स्कोर और आई एम एक्साइटेड टू सी माई रिजल्ट. और जो भी मेरा रिजल्ट आता है ऑल इंडिया रैंक जो भी बनते हैं, आई एम जस्ट सेलिब्रेटेड है ना. आई एम जस्ट गोना एक्सेप्ट माई स्कोर एंड सेलिब्रेट इट. मैं मस्त सेलिब्रेट करने वाला हूँ और मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई मस्त मौला आदमी है भाई, मस्त चिल करेंगे. एग्जाम हो चुकी है, रिजल्ट आएंगा, अभी रिजल्ट देखेंगे, मस्त चिल करेंगे. अभी बस रिजल्ट के बाद काउंसलिंग शुरू होती है, हम अपना एडमिशन कर लेंगे और बस जो भी कोई फील्ड मिलते हैं उसमें बस हमें आगे बढ़ना है, अपना काम बेस्ट तरीके से करना है. सो मिलते हैं आपको रिजल्ट
जब रिजल्ट के टाइम पे 12 hours later और जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है और उस घड़ी में 12 बज चुके हैं अराउंड 12:30 हो रहे हैं। मैं इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नीट का रिजल्ट आ चुका है तो मैंने सबसे पहले चेक किया कि साइट पे ऑफिशियली दिखा रहा है या नहीं, प्रैंक तो नहीं किया किसी ने 12 बजे, तो साइट भी मैंने ओपन कर ली, आप देख सकते हैं। तो साइट भी मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे नीट की रिजल्ट लिंक देख रही से साइट ओपन हो गया। अभी डिटेल्स डालते हैं और नीचे अपना लाइव रिएक्शन या वीडियो ये मैंने दबाया एंटर। OMG बिल्कुल सही भाई, मैंने जो मार्क्स प्रेडिक्ट किए थे मार्क्स बिल्कुल उतने ही आए, एग्जैक्टली उतने ही आए 3-4। रैंक भी जो मैंने प्रेडिक्ट की थी कि भाई 2-3 lakh के अंदर आ जाए और मेरी ऑल इंडिया रैंक बन रही है अराउंड 256,697। रैंक काफी अच्छी बन गई जितना मैं जो मैंने प्रेडिक्शन किया था 2-3 lakh के अंदर आ जाए और वही आई है 256,697 इज माई ऑल इंडिया रैंक फॉर काउंसलिंग। एंड कैटेगरी रैंक माई एससी कैटेगरी रैंक इज 22,598। काफी खुशी मिल रही है भाई, इतनी खुशी मुझे आज तक। ठीक है आई एम डन गाइस, मेरा तो हो गया। मैं मेरे सारे सभी टीचर्स से भी मिलना चाहूंगा, मेरे स्कूल के मेरे कॉलेज के जिनसे मैंने जो भी कुछ सीखा अभी तक जो वैल्यूज मॉरल वैल्यूज उनसे मिली है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ माय टीचर्स। और बस रैंक आ चुके, अभी बस काउंसलिंग का इंतजार है और एडमिशन लेने का। सो जो भी मुझे कोर्स मिलता है गोना डू माय बेस्ट, 85.39% आ गया तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है कि हाँ भाई जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था तो उससे थोड़ा परसेंटाइल स्कोर भी ज़्यादा है और ऑल इंडिया रैंक अच्छी है। मैंने 2 lakh से 3 lakh प्रेडिक्ट की थी तो 2,56,697 ऑल इंडिया रैंक आई। सो आई एम हैप्पी विद दैट। आज एवरी मेडिकल कोर्स इज इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ह्यूमन हेल्थ और सभी ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन वेलबींग के लिए हर एक कोर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो BDS हो, चाहे वो BAMS हो, चाहे वो BHMS हो। सो अराउंड 3-4 कोर्सेज जो डॉक्टर्स के आते हैं, पैरेटिक डॉक्टर में एक आयुष कोर्स इसके अंदर और एक कोर्स आता है जो कि BUMS है, यूनानी का एक कोर्स है, और फिर ये सब कोर्सेज के बाद में उसके बाद में आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में आता है एक फिजियोथेरेपी की भी एक कोर्स आता है, BPT कोर्स आता है। तो गाइस उसमें भी काफ़ी स्कोप है, उसमें भी BPT करके भी स्टूडेंट्स उसमें फिजियोथेरेपी में अपना कोर्स करके मास्टर्स करके अब्रॉड सेटल हो ले सिर्फ BPT अपना फिजियोथेरेपी में। काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा कोर्स है फिजियोथेरेपी, काफ़ी स्कोप भी है, बस एक बंदे को इंटरेस्ट दिखाना है। फिर उसके बाद BPT हो गया, उसके बाद BOT आता है, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो BOT एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक कोर्स है, सो यू कैन गो विथ एनी ऑफ द कोर्सेज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, है ना। अगर आप अपना बैच देते हो तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। उसके बाद BSc नर्सिंग भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है, नर्सेज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन OT, है ना, तो नर्सेज भी डिफरेंट रहते हैं, है ना। तो बस काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा हो कि सुनते ही काम हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे कि BSc उनका फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, पूरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट तो भी वो नीट दे रहे हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, तो भाई अलग ही आगे अलग ही जुनून है उनमें। और हाँ गाइस मेरी कुछ मिस्टेक्स है ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सो सबसे पहले मिस्टेक ये है कि मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया था रिपीटर्स बैच अपनी कक्षा का। सो उसमें क्या हुआ, मुझे लगा मैंने एकदम आग बंद करके अंधा भरोसा कर लिया कि नहीं यार मैंने एक रिपीटर्स कोर्स अच्छा सा एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया है तो बस अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने अंधा भरोसा कर लिया था कि मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया है तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, तो उसमें गलतफहमी भी था। तो जो भी गाइज अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो उसको पहले चेक करके देख लो कि बराबर लाइव क्लासेस होती है या नहीं होती, और ऑनलाइन लेते हो तो आप पहले बराबर से चेक कर लो और अंधा भरोसा मत करो कि नहीं यार सब कुछ यही करा लेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। बट यू हैव टू डू, सो माई ऑनेस्ट ओपिनियन इज कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो भी हो तो उसको अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करने के बाद आप खुद से डेली रिवाइज करो। और सेकंड मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि टेस्ट सीरीज को लेके, मैंने टेस्ट सीरीज में मैंने ऑनलाइन ही इनकी अपनी कक्षा की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी तो मैंने वही अटेंड की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की। मैंने बोला ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से हो जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद मैंने फिर खुद से उस वाले के सैंपल पेपर्स, मैं रिकमेंड करूंगा कि टेस्ट सीरीज आप
ऑफलाइन जैसे कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट सीरीज लगाए, हो सके तो कोचिंग भी आप ऑफलाइन लें, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा ज़्यादा फील आता है, ज़्यादा समझ में आता है और आप फिजिकली प्रेजेंट रहते हो तो एक रिलीजियसली आप उस चीज़ों को फॉलो करते हो। तो ये दिस वॉज माई सम मिस्टेक्स मेन, ज़्यादातर मैं यही मेन दो, तो यही दो मेन मिस्टेक्स थी जो कि मेरे नीट प्रिपरेशन के दौरान हुई। कोशिश करोगे कि आगे ऐसे मिस्टेक्स मैं मेरे जर्नी में, मेरे मेडिकल फील्ड में, मेरे करियर में, जो भी मैं आगे कोर्स लेता हूँ उसमें मैं ऐसे मिस्टेक्स ना करूँ, ये आई होप। If you guys like this video and first and once again congratulations to all जिनका भी result है and all the best to the toppers। आप अपने MBBS की struggle जारी रखें and my best wishes to all of you। So hope you guys like this video, so like, comment, share, subscribe। Thank you so much for watching, bye।